इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने पूछना चाहती हैं कि जैसे कफन का बचा हुआ कपड़ा होता है तो लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते, यानी कफन जैसे कपड़ा आया उसमें से कफन काटने के बाद जो कपड़ा बचेगा तो उसको घर के इस्तेमाल में लिया जा सकता है, वो कपड़ा सही होता है। अब ये कि उसकी मिल्क देखनी पड़ेगी कि किसी शख्स ने अगर अपने पास से मंगवाया है कफन, घर वालों ने या किसी बाहर वाले ने बतौर एहसान उसने अपने पास से कफन दिया, तो फिर जो बचेगा कपड़ा ये असल में उसी के पास जाएगा। मगर ये कि सूरत अगर इसके इस्तेमाल की तो वो चाहे या घर वाले चाहे इस्तेमाल इसका हो सकता है, दूसरे काम में इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जिस कपड़े से कफन काटा गया हो तो वो कपड़ा बाद में लोग फेंक दें या उसको कब्र के अंदर ही फट्टे के ऊपर कब्र के तख्तों के ऊपर जो है ना रख दें, तो ये भी इसराफ है, यानी कपड़े को बर्बाद करना है। लिहाजा जो कपड़ा बिल्कुल दुरुस्त हो, सही हो, पाक हो, तो उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो ये गलत फहमी गलत है कि कफन के कपड़े को दूसरे काम में नहीं लाएंगे या उसका लिबास नहीं पहन सकते बना के, ये सब जो है वो आवामी बातें हैं। पत्थर में असल